चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को करें प्रेस और पाइए सारी नोटिफिकेशंस। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आसिम रियाज और उमर रियाज के बारे में और उनके न्यू सॉन्ग के बारे में। जैसा आपको पता होगा, उमर रियाज ने घर के बाहर हमेशा ही आसिम रियाज को सपोर्ट किया है। उनकी बिग बॉस 13 की जर्नी में सबसे ज़्यादा अगर आप हाथ देखें तो वो उमर रियाज का ही है, क्योंकि जब भी उनको कोई कठिनाई आई है तो हमेशा उमर रियाज ने सपोर्ट किया घर के बाहर। ट्विटर पे आपने ट्रेंड देखे होंगे या आपने सोशल मीडिया पर सपोर्ट देखा होगा, तो ये सभी काम जो है वो आसिम रियाज के चलते ही हुआ है। और अगर मैं बात करूँ आसिम रियाज की, तो उनको मेहनत की थी आसिम रियाज ने मेहनत की, वो भी अब निकल रही है, वो भी सामने आ रही है, लोग प्यार कर रहे हैं। उमर रियाज की जो मेहनत थी वो भी सामने आ रही है। अब एक पोस्टर के नीचे जो कि रिसेंटली रिलीज़ किया गया था, उसमें उमर रियाज ने कमेंट किया है, लुकिंग टुगेदर, कांट वेट फॉर द सॉन्ग, माई बॉय फर्स्ट ऑफिशियल सॉन्ग, कांट बी ए बेटर फीलिंग, सो प्राउड, रिस्पेक्ट। यानी कि उमर रियाज ने कहा है कि जैकलिन फर्नांडिस और आसिम रियाज दोनों इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत प्राउड की बात है, और इस वक्त मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ और बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ। यानी कि ये जो जितनी भी अभी तक स्ट्रगल चल रहा था आसिम रियाज का, उमर रियाज उनको सपोर्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल, वो सपोर्ट अब सामने आया है। वो सपोर्ट जो है खुल के लोग भी अब प्यार कर रहे हैं। एक म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ होने वाली है जिसका पोस्टर रिलीज़ हो चुका है, जिसमें आसिम रियाज की बड़ी फ़ोटो लगी है फ्रंट, वो भी जैकलिन फर्नांडिस के साथ। तो कहीं ना कहीं इससे बहुत खुश हैं उमर रियाज, और उनको लगता है कि अब सॉन्ग का वेट नहीं हो रहा है, सॉन्ग जल्दी से रिलीज़ हो जाए, बस वही उनकी एक इच्छा है। आपको क्या कहना कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। इसी तरह से अगर आपको लेटेस्ट अपडेट जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।